नॉर्मल जो पंच है वैसी नहीं चल रही है ये। ओ भाई साहब दिल पेट में डाल रही है गाड़ी। 1 2 बाप रे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा की ब्रांड न्यू पंच ईवी को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमने वो गाड़ी ड्राइव करी तो हम आपको बताएंगे कि क्या हमारे इंप्रेशंस थे, क्या हमारी उस गाड़ी की रिपोर्ट कार्ड जो हमने बनाई है, कुंडली नाप बना ली है उसकी पूरी, पूरा गाड़ी को घुमा फिरा के एकदम नाप तोल के आपके सामने जो है उसकी रिपोर्ट कार्ड हम लाए हैं इस वीडियो में। हर तरह से टेस्ट कर ली गई है गाड़ी, बहुत हाई स्पीड पे भी, लो स्पीड्स पे भी, ब्रेक्स लगा लगा के भी। तो यार एक काम करो, पहले ना आप इसका ड्राइव रिव्यू देख लो, उसके बाद आपको बताते हैं कि हमारी ओपिनियन क्या। ओपिनियन लिए बगैर मत जाना और वीडियो कहीं से स्किप मत करना। उससे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। भाई इनिशियल तो बहुत बढ़िया है, पेट्रोल वाली से तो बहुत ज्यादा रिफाइंड लग रही है। पंच में पंच आ गया, हम एक ही चीज कहते थे पंच में पंच नहीं है। भाई साहब लाजवाब पिकअप। ये कौन से मोड पे चल रही है अभी? सिटी मोड है भाई साहब। हैंडलिंग लाजवाब हो चुकी है गाड़ी की, बिल्कुल ये जो हैंडलिंग है ना इस गाड़ी की, ये नॉर्मल जो पंच है वैसी नहीं चल रही है ये। लेकिन बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही बढ़िया ब्रेक लगी है कि मतलब डर नहीं है बंदे को। चार डिस्क ना पूरी वैसे ही काम कर रही है, ऐसे करनी ही चाहिए। बाप रे लाजवाब कंट्रोल आ गया भाई गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग में प्रॉपर वेट है, पता ही नहीं लग रहा कि अंदर इंजन नहीं मोटर लगी हुई है। हाँ कमाल, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब जो पंच के अंदर, पंच की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना वो टाटा ने सॉल्व कर दी है निकाल के। लाजवाब पावर है भैया, लेने वाला डिसअपॉइंट नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है। कंट्रोल इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इको पे कैसी चल रही है ये भाई? सबसे लाजवाब चल रही है गाड़ी तो। ये इसका सबसे बेसिक मोड है जिसमें सबसे ज्यादा रेंज देगी है। नेक्सॉन ईवी भी ऐसी फील नहीं देती है जैसी ये चल रही है, सही बता रहा हूँ तेरे को। थोड़ी रेंज भी बढ़िया इसकी, इको मोड पे डाल थोड़ी सी दब गई है अब इस इको पे है ना। ये नॉर्मल ड्राइव स्पोर्ट्स है ये। ओ भाई साहब दिल पेट में डाल रही है गाड़ी, ये कानों को हाथ लगवा रही है। लेकिन ऐसा कोई ना घबराहट नहीं हो रही जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी के टायर घूमते हैं, स्पिन मारते हैं। ZS EV के भी स्पिन मार रहे थे, इसके नहीं मार रहे, इसको नॉर्मल मोड पे डाल दो, सिटी मोड पे डाल दे बस। इकोनॉमी सिटी में ज्यादा बेटर है। अच्छा भाई आपने जैसे 0-100 करा था ना, तो मैंने एक चीज देखा, ये देखो इसमें हाथ पकड़ने का नहीं है ऊपर। गाड़ी कंट्रोल बहुत अच्छी आ रही है। ओके बहुत इसका अपने ग्राउंड क्लियरेंस के मुताबिक बहुत ही लाजवाब हैंडलिंग है भाई, बहुत लाजवाब इन्होंने काम कर दिया। पंच ऐसी नहीं चलती जैसी ये चल रही है। पकड़ना जरा, लाजवाब ब्रेकिंग, कोई फियर नहीं, कोई कुछ नहीं, कमाल है भाई। 1 2 बाप रे, ओके रिपोर्ट आ गई है गाड़ी तो। बिल्कुल गाड़ी। अब बात यह है दक्ष की 80 प्लस जाते ही थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही है गाड़ी, क्योंकि थोड़ी बड़ी है ना, बॉक्सी सा डिजाइन है। 80 तक तो बहुत बढ़िया चल रही है, 80 प्लस जाते ही ना थोड़ा सा। इनकी टियागो ये भी काफी स्टेबल है लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं है। लाजवाब पर है।
तो दोस्तों ये आपने देखा भाई साहब टाटा पंच ईवी का ड्राइव रिव्यू। शुरू से शुरू करते हैं, कैसी लगी गाड़ी, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा लगा? यार फर्स्ट इम्प्रेशन जो गाड़ी के हैं वो है कि पंच ही है बेसिकली, जो है इसमें कुछ ऐसा नयापन नहीं है लुक्स के अंदर भी। हाँ इंटीरियर में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए लेकिन लुक वाइज बिल्ड वाइज ये टोटल पंच है जो 6.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, सेम की सेम गाड़ी है बिल्कुल। ठीक है, अंदर के जो इम्प्रेशन है कि फिट एंड फिनिश वगैरह सब चीजें पहले से एक नॉज ऊपर चली गई है, बहुत एक्सेलेंट अच्छी है। फिट एंड फिनिश की है गाड़ी के अंदर, एक प्रीमियम फील आ रही है बिल्कुल, बहुत आती है जो कि आप देख सकते हो कितनी प्रीमियम लग रही है गाड़ी जो है, आपने देखा भी। पहले क्या करें दक्ष, नेगेटिव या पॉजिटिव बताएं? पहले पॉजिटिव बताते हैं गाड़ी के। तो लो भैया पॉजिटिव सुन लो और नेगेटिव सुन के भी जरूर जाना क्योंकि भर भर के आप नेगेटिव जो है कंक्लूजन देंगे हम लास्ट में कि लेनी भी है या नहीं लेनी है ये गाड़ी या काटा मार देना है इसको लास्ट में देखना। सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर वन, गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो चुकी है। ये वो पंच नहीं है जो एक नॉर्मल पंच चलती है जैसी। पहले तो इसका स्टेयरिंग फीडबैक बहुत ही लाजवाब हो गया, प्रिसाइज कर दिया, जोर से ज्यादा वेट डाल दिया स्टेयरिंग के ऊपर दक्ष जो है कंपनी ने, कि कस्टमर को ये ना लगे कि भैया बिना इंजन वाली आप गाड़ी चला रहे हो। उसमें वेवजन ही नहीं है गाड़ी के अंदर, अच्छा खासा स्टेयरिंग पे वेट आता है, बहुत अच्छा स्टेयरिंग फीडबैक आता है। आप देख सकते हो हमने कैसे ऐसे 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 करके भी हर तरीके से इसको नाप लिया, पूरा भूत बना दिया इसका बिल्कुल। हाई स्पीड के ऊपर 80 तक बहुत अच्छी इसकी स्टेबिलिटी, 80 to 100 बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी है। हेडरूम गाड़ी में काफी अच्छा था पीछे, एंड पीछे बैठ के भी एक अच्छी खासी प्रीमियम फील आ रही थी। आगे भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, लंबी हाइट वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी गाड़ी जो है ये पंच, वैसे ही बढ़िया है लंबी हाइट वालों के लिए। अगला जो इसका पॉजिटिव है, ब्रेक्स गाड़ी की लाजवाब है, लाजवाब। आप एक बार ना ये जरा ब्रेक्स वाला सीन दोबारा देख लो कि किस हिसाब से इसकी ब्रेक टेस्ट की गई। 1 2 हर लिहाज से इसको ना निचोड़ के, नींबू निचोड़ के देखो दोस्तों, हम चलाते हैं गाड़ी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कल को मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम टेस्ट कर लेते हैं कई बार आप लोगों को टेस्ट ड्राइव उस तरीके से नहीं करने देती है कंपनी। अब आ जाते हैं दोस्तों गाड़ी के कुछ नेगेटिव पे। दोस्तों पहला नेगेटिव थोड़ा छोटा सा है ये, लेकिन जो मैंने नोटिस करा कि पीछे वाली सीट पे आर्मरेस्ट में कप होल्डर नहीं है, जो कि यार एक बेसिक सी चीज है, बहुत ही बेसिक सी, एंड 16 लाख रुपए की गाड़ी है, एंड छोटी सी चीज जो है टाटा भूल गई देना या पता नहीं क्यों नहीं दिया वो पता नहीं। दूसरा बहुत बड़ा नेगेटिव इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत बड़ा नेगेटिव वो ये है कि रेयर में आपके जो है एसी वेंट मिसिंग नहीं थे। टॉप मॉडल में भी नहीं थे, तो नीचे के मॉडल्स में तो आप सोचो कि होंगे ही नहीं, जो कि काफी शॉकिंग लगा कि टॉप मॉडल 16.5 लाख रुपए की पंच, एसी नहीं है पीछे। अगला बड़ा नेगेटिव, जो स्टेबिलिटी 80 तक बहुत बढ़िया लगती है, वो 80 के बाद गाड़ी में थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है। गाड़ी बहुत ज्यादा व्हील स्पिन तो नहीं मारती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह, बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इसकी खराब हो जाती है, हल्का बहुत बॉडी रोल भी है जैसे कि इसमें पंच के अंदर आता है। दोस्तों इसका कारण है ये कि 6 लाख रुपए की गाड़ी में फीचर्स एंड मोटर डाल के उसे 16 लाख रुपए की बेची जा रही है, तो वो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी 16 लाख की गाड़ियों के साथ कंपीट नहीं कर सकती। इवन अगर आप 10 लाख रुपए की पेट्रोल गाड़ियां भी देखो उसके साथ भी कंपीट नहीं कर सकती नहीं कर सकती। अगले नेगेटिव की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला नेगेटिव दोस्तों ये है कि 5 स्टार गाड़ी होने के बावजूद जो हमने एक चीज नोटिस करी कि गाड़ी में सेंटर हेडरेस्ट नहीं था पीछे वाली सीट में, ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आप 5 लोग बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, जो बीच में बंदा बैठेगा पीछे उसको वो महसूस होएगा। और अगला नेगेटिव, जहाँ पे लेदर होना चाहिए वहां पे फैब्रिक दिया हुआ, और जहाँ पे फैब्रिक होना चाहिए वहां लेदर दे दिया, बिकॉज वेंटिलेशन बनाने के लिए उल्टा हिसाब किया हुआ, क्योंकि यहीं से सबसे जल्दी गंदी और खराब होती है, यहाँ से सबसे ज्यादा सीट फटने का चांस रहता है उतरते हुए चढ़ते हुए। या तो फिर पूरी ये लेदराइट होनी चाहिए। और एक और बड़ा दोस्तों नेगेटिव टाटा पंच ईवी में वो ये है गाड़ी की रेंज। यार जो सबसे बड़ा नेगेटिव आ जाता है, जो कंपनी 421 की क्लेम करती है तो और 350 से ज्यादा रेंज नहीं मिलेगी, 250 से ज्यादा नहीं मिलेगी, लिख के ले लेना आप, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ना लोग कछुए की चाल की तरह चलाने के लिए नहीं लेते, आप स्पोर्ट्स मोड भी डालोगे। इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या होता है बंदे को लगता है कि मेरा तेल तो लग नहीं रहा, तो गाड़ी को खींच खींच के चलाओ, तो रेंज वहां पे और कम हो जाती है, एंड एक बहुत बड़ी
एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, अकेली टाटा नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दोस्तों एसी ऑन एंड एसी ऑफ में आपको बहुत ज्यादा मेजर रेंज का फर्क देखने को मिलेगा जो कि पेट्रोल गाड़ियों में नहीं देखने को मिलता। और वो सिटी इकोनॉमी और स्पोर्ट्स मोड पे भी रेंज बदलती रहती है। रीजनरेशन है इसके अंदर, लेकिन भैया इतना सब टेक्निकल तरीके से कोई गाड़ी नहीं चलाता, गाड़ी बंदे ने चलाने के लिए ली होती है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है बेसिकली दोस्तों फन टू ड्राइव गाड़ी होती है, चाहे आप 8-9 लाख रुपए की कॉमेट ईवी ले लो, चाहे टियागो ईवी ले लो, चाहे कोई ले लो, या बड़ी से बड़ी टेस्ला ले लो, ये गाड़ियां होती फन टू ड्राइव है, कोई लैग नहीं, कुछ नहीं, मजा आता चला के। अगर आप फन टू ड्राइव की तरह लेना चाहते हो गाड़ी तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सकते हो अगर आपका बजट है तो। भैया अगर हाईवे रन ज्यादा तो रीजनरेशन वाला सिस्टम काम नहीं करेगा, वो सिटी में ही काम करता। बिल्कुल, जो है जैसे गाड़ी धीरी होती है, पैडल शिफ्टर दे रखे हैं, प्लस माइनस वाले गियर चेंज होने की बजाय वो ब्रेक लेना शुरू कर देते हैं, माइनस दबाओगे तो ब्रेक लेंगे, प्लस दबाओगे तो। ZSEV में आपने देखा था कि बिना पेडल शिफ्टर के रीजनरेशन, जहाँ पे आपने पंजा रोक लिया वो अपने आप रीजनरेट कर रही है बैटरी। अगले नेगेटिव की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला नेगेटिव भी यही है कि जो नीचे वाला वेरियंट है इसका, 25 किलोवाट की बैटरी है, जिसमें 25 किलोवाट की बैटरी आपको मिलती है तो आपको 180 से 220 के आसपास रेंज मिलेगी। यार रियल कंडीशंस की आपको बता रहे हैं, आप फिगर्स पे मत जाना। 315 की कंपनी क्लेम कर, 315 की क्लेम कर रही है तो 200-180, जैसे कि एक CNG गाड़ी के अंदर सिलेंडर भरवाने के बाद रेंज आती है तो उतनी रेंज आएगी इसके अंदर। लेकिन यार अगर आप पहले ही 6 लाख की गाड़ी के 16 लाख रुपए पे कर रहे हो तो दोस्तों पहली बात तो हम ये करते हैं कि 16.5 लाख रुपए की एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको लेनी क्यों है भाई, आपका यूज क्या है। अगर आप बोलो कि भाई मेरी रोज की 100 किलोमीटर चलती है, लोकल में चलती है, फॉर से मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा NCR में रोज की 100 किलोमीटर चलती है, मुझे इसलिए लेनी है, तो भाई साहब आप 16 लाख 16.5 लाख रुपए की ईवी गाड़ी क्यों ले रहे हो। आप अल्ट्रॉस में CNG ले लो, 9-10 लाख रुपए खर्च करके आपके 6.5 लाख रुपए फिर भी बच रहे हैं, 6.5 लाख रुपए। एंड भाई साहब CNG गाड़ी की रीसेल वैल्यू आपको पंच ईवी से ज्यादा या किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी से काफी ज्यादा मिलेगी। अब आप बोलो कि यार मुझे CNG में ऑटोमेटिक नहीं आता, उसमें मैनुअल है, इलेक्ट्रिक जो ऑटोमेटिक आता है, तो आप पंच का टॉप मॉडल ले लो, आपको पेट्रोल में आपको 11 लाख रुपए में टॉप मॉडल मिल जाएगा, फिर भी आपको पंच ईवी से 5-5.5 लाख रुपए सस्ता मिलेगा, जबकि और भी टॉप मॉडल है। और 5 लाख का तेल ना 5 साल चलेगा और गाड़ी की वैल्यू 5 साल बाद कुछ भी नहीं टूटी होगी। और पेट्रोल गाड़ी की रीसेल वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी से, इलेक्ट्रिक पंच से ज्यादा मिलेगी। अगर ईवी गाड़ी लेनी है तो आप टियागो ईवी की तरफ जा सकते हो, कम पैसों में आपका वही काम हो रहा है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक के अंदर ये गाड़ी बहुत महंगी कर दी है। लेकिन यार मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनता पंच जैसी गाड़ी को 16.5-11 लाख से 16.5-17 लाख रुपए तक लेने में कोई तुक नहीं बनता। गाड़ी की 8 साल की ये वारंटी दे रहे हैं बैटरी की और मोटर की जो है 1,60,000। दोस्तों अब हम ये बात करते हैं कि क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्या आपको 14-15 लाख रुपए में, आपका बजट अगर टॉप मॉडल का भी है तो क्या आपको पंच ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और किनको लेनी चाहिए। भैया ये वो लोग बिल्कुल ना लें जो पैसा बचाने के चक्कर में ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 6 लाख की गाड़ी आपको 16 लाख रुपए के अंदर मिल रही है ज्यादा फीचर और मोटर के साथ। अब ये मानो अगर आप 2 पंच के बेस मॉडल लेके करोल बाग से उनको टॉप बनवा लोगे तब भी आपका 1-1.5 लाख रुपया बचेगा, जितना और जो फ्यूल और जो और पैसे बचेंगे 2 लाख रुपया, उससे 2 साल आपकी वो दोनों गाड़ियां भी चल जाएंगी। बिल्कुल, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है जो फ्यूल बचाने के चक्कर में ले रहे हैं। हाँ भाई फन टू ड्राइव के चक्कर में लेना चाहते हो तो टियागो ईवी भी ले सकते हो आप, 10-11 लाख रुपए की आ जाती है, वो ले सकते हो आप अगर सिटी के लिए लेनी सिटी के लिए लेनी है तो, क्योंकि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नहीं बना। तो यार हम तो रिकमेंड अभी नहीं करेंगे ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है, क्योंकि इसका जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार हो जाता हम अपने भाइयों को कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि यार ये गाड़ियों में अपना पैसा फंसाया जाए, क्योंकि कल को रिटर्न भी नहीं मिल पाती है इनके अंदर जो है। 16 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है और 16 लाख रुपए में बड़ी अच्छी पेट्रोल गाड़ियां आ जाती हैं। इवन बल्कि आप 16 लाख खर्च करना चाहते हो तो भैया नेक्सॉन का टॉप मॉडल पेट्रोल का आ जाता है यार 16 लाख रुपए के अंदर। क्या उसकी पावर है, बहुत क्या फील है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस निकाली है। इस चीज से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, जो नीचे वाले पैक निकाले थे ना दक्ष, वहां पे इनका ऊपर वाला 35 किलोवाट का पैक आना चाहिए था यार। एक तो टाटा ना बेवकूफ इतना बनाता, 500 मॉडल दिखा देता गाड़ी के, ये चीज देख के इतना गुस्सा आता है ना यार कि क्या लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो यार। लोगों के एक इमोशन जुड़े हुए हैं टाटा कंपनी के साथ, ये 25-25 मॉडल निकाल देती है कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए यार।
दोस्तों हमारे पास जिस तरह के मैसेज आते हैं हम उसी के बेस पे सारी जो वीडियोस हैं वो हम बनाते हैं। हम जानते हैं कि कस्टमर इतना कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको नेक्सॉन में भी अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मॉडल लें। 50 तरह के तो मॉडल निकाल रखे हैं इन लोगों ने, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। दो या चार मॉडल होने चाहिए, अगर दो तरह की बैटरी पैक दी है तो उसका एक बेस एक उससे ऊपर वाला टॉप, एक बेस और एक टॉप की, यार कंफ्यूज मत करो यार, ज्यादा से ज्यादा एक मिड वेरिएंट दे दो, पता नहीं क्या क्या निकाल रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में ज्यादा छेड़ाखानी करवाओगे ना तो भैया उसके अंदर है ही पल्ले उसके कुछ नहीं है, सिर्फ एक मोटर लगी है, अगर जरा सा भी समस्या आ गई ना तो वारंटी सब वॉइड हो जाती है। बिल्कुल, ये कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं है कि जिसका आपने बेस मॉडल लिया और टॉप बनवा लिया, इसका बेस मॉडल लोगे तो बेस ही रह जाएगा, कंपनी से लगवाते रहोगे चीजें। पंच का बंदा बेस मॉडल ले 80,000 लाख रुपए लगा के उसे टॉप मॉडल बना ले, जितना पैसा बच रहा है, रोज का 50-100 किलोमीटर भी चलाएगा ना तो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी से सस्ता पड़ेगा वो। भैया अगर आप लेना चाहते हो ना तो इसका बेसिक सा मॉडल उठा सकते हो जो रिकमेंडेशन में आता है, जहाँ से ये 35 किलोवाट का शुरू होता है 13.5 लाख के आसपास, मुझे तो वो भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। नहीं तो आप टियागो के ऊपर के मॉडल देख सकते हो, जो टियागो ईवी के आते हैं वो रीजनेबल, एटलीस्ट पंच ईवी के कंपैरिजन में तो रीजनेबल ही पड़ेगा। भैया अपनी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है ये गाड़ी, अगर आप पेट्रोल गाड़ी छोड़ के इसकी तरफ जा रहे हो ना बहुत बड़ी गलती तो है। अगर फन टू ड्राइव के लिए चक्कर में चलाओगे गाड़ी को तो रेंज खत्म हो जाएगी, बहुत एक्सपेंसिव, और अगर धीरे धीरे चला के चलाओगे तब भी इसकी रेंज कितनी की है, पेट्रोल गाड़ी फिलहाल पेट्रोल ही है भैया, 16.5-17 लाख में स्कॉर्पियन का बेस मॉडल आ जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, पंच ईवी का ड्राइव रिव्यू एंड ऑल द एनालिसिस। सो अगर अभी भी आप किसी गाड़ी में कंफ्यूज हो कि हम कौन सी गाड़ी लें कौन सी ना लें, पेट्रोल लें डीजल लें ईवी लें, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमारे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं, कॉल बुक करा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।